रोशन गेट से लेकर मुजीब कॉलोनी का जो रोड है इसका जो है तो आज काम की शुरुआत हुई है। तो इस मौके पर हमारे अहलियाने मोहल्ला और हमारे दिगर दोस्त अहबाब ने, हमारे अन्नू अंकल ने, इनके साथ ही अज्जू भाई ने और हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर जितने मौजूद हैं इनकी तरफ से आज हमारा सत्कार का प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि हमने इस रोड के मामले में जितनी हमने मेहनत की है, कोशिश की है, अलहमदुल्ला आज वो कामयाब कामरानी की तरफ पहुंची है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कई लोगों ने जो है रोटियां सेकी, सियासी रोटियां सेकी। आप लोग सब बखूबी जानते हैं किसने मेहनत की किसने मेहनत नहीं की, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग आए और कई लोगों ने यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर चले गए और इसका क्रेडिट जो है तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आप सामने आपके मौजूद है, जब हमारी वालिदा 2010 में जब चुनकर आई थी 2013 में ये रोड रोशन गेट से लेकर मुजीब कॉलोनी का जो रोड है जो कटकट गेट तक जो जा रहा, ये इसका डामरीकरण का काम हमारी वालिदा के वक्त में हुआ था। उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत करने के बाद ये रोड का काम रोड की काम की आज जो है तो शुरुआत हुई है। देखिए लोगों से ये अपील है कि जो यहाँ से खिराड़पुर का जो रोड चालू है रोशन गेट का, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं और कटकट गेट का जो सीधा रोड चालू है जो चंपा चौक को इमाम अहमदार रोड को जो है तो प्रेरा सबकी दरगाह को लग रहा है वहाँ से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये रोड जो है तो 2-2.5 महीने कम से कम 3 महीने इसको लगेंगे, तो आप लोगों से अपील है, दरखास्त है कि आप लोग जो है तो दूसरे रास्ते इस्तेमाल करें। वहाँ आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, भादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आज हमारे एरिया का, हमारे वार्ड का रोशन गेट से लेकर मुजीब कॉलोनी का जो रोड है इसका जो है तो आज काम की शुरुआत हुई है। तो इस मौके पर हमारे अहलियाने मोहल्ला और हमारे दिगर दोस्त अहबाब ने, हमारे अन्नू अंकल ने, इनके साथ ही अज्जू भाई ने और हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर जितने मौजूद हैं इनकी तरफ से आज हमारा सत्कार का प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि हमने इस रोड के मामले में जितनी हमने मेहनत की है, कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कामयाब कामरानी की तरफ पहुंची है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कई लोगों ने जो है रोटियां सेकी, सियासी रोटियां सेकी। आप लोग सब बखूबी जानते हैं किसने मेहनत की किसने मेहनत नहीं की, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग आए और कई लोगों ने यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर चले गए और इसका क्रेडिट जो है तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल क्रेडिट जो है तो ऐसा मामला है, काम कुछ करे नहीं और ओवर वर्क ओवर आइडेंटिटी का जो लखब लगाते कि हमारा काम हमारी पहचान है, तो ये इनका जो काम है इनके कार्यकाल में, जब इनका कार्यकाल था तो इनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं आप सामने आपके मौजूद है, जब हमारी वालिदा 2010 में जब चुनकर आई थी 2013 में ये रोड रोशन गेट से लेकर मुजीब कॉलोनी का जो रोड है जो कटकट गेट तक जो जा रहा, ये इसका डामरीकरण का काम हमारी वालिदा के वक्त में हुआ था। उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत करने के बाद ये रोड का काम रोड की काम की आज जो है तो शुरुआत हुई है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोगों से भी अपील करूंगा एरिया के लोगों से कि ये रोड का जो काम है जो जैसा होना चाहिए आप लोग इनको कॉपरेट करिए, कॉन्ट्रेक्टर को भी, और हमारा भी काम है कि आप जो है तो कहीं गलत हो रहा काम तो उनको बिल्कुल रोक के उनको उनकी जो है तो क्या बोलेंगे उनको रोक के उनको बताइए कि अब यहाँ पर जो है तो काम गलत हो रहा, गली ऊपर हो रही नीचे हो रही सब देख दिखा के जो है तो काम होना चाहिए। हमारी भी अपील है कॉन्ट्रेक्टर साहब से कि आप भी जो है तो इसके अंदर जो काम सही सही होना चाहिए तो बराबर आप करके हमारे लोगों को यहाँ पर दीजिए और इंशाल्लाह पूरा यहाँ पर लोगों का आवाम का पूरा कॉपरेट रहेगा। आपको जहाँ भी अड़चन है बिल्कुल आप हमको कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मसला भी हम हल करके देने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हम ड्रेनेज का नल का काम पूरा हो गया है, ड्रेनेज का और नल का पूरा काम होया हुआ है यहाँ पर, और जो जो भी अभी साइड ड्रेन का जो यहाँ पर काम हुआ था कि आगे ये पानी कैसा पास होगा, गली के अंदर जो पानी उतर जाएगा, ये बहुत जो है तो लोग परेशान थे, तो इंशाल्लाह इसका भी जो है तो मसला हल करके देने की कोशिश बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि अभी तकरीबन पूरा काम हो गया है, ड्रेनेज लाइन का काम हुआ, पानी आ रहा है।
तो इंशाल्लाह वो भी हल करा के दे दिया जाएगा। नल का भी बोल रहे हमारे अंकल के हाँ, उसका वो भी इंशाल्लाह मसला हल करके देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी काम की शुरुआत हो चुकी है, इसको कम से कम 2-2.5 महीने 3 महीने इंशाल्लाह लगेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसमें कॉपरेट करें आप लोग, और जितना हो सके लोग भी जो है तो सहयोग करें। आप लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश, शुक्रिया। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ जगह। लोगों से ही अपील है कि जो यहाँ से खिराड़पुर का जो रोड चालू है रोशन गेट का, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, और कटकड़ गेट का जो सीधा रोड चालू है जो चंपा चौक को इमाम अहमदार को जो है तो प्रेरा सबकी दरगाह को लग रहा है, वहाँ से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये रोड जो है तो 2-2.5 महीने कम से कम 3 महीने इसको लगेंगे, तो आप लोगों से अपील की अपील है, दरखास्त है कि आप लोग जो है तो दूसरे रास्ते इस्तेमाल करें, वहाँ से आप जाने की कोशिश करें। साथ में मेरे मौजूद है जो कि हमारे महल्ले के पूरे जिम्मेदार, हमारे अन्नू अंकल, अन्नू पठान, हमारे अज्जू भाई महल्ले के मौजूद हैं। उसके बाद ये हमारे महल्ले के साकिब है, तला है, ताहा है, और काशिफ है, हमारा हिला भी है हमारे महल्ले के, और उसके अलावा जो तो हमारे युवक की टीम मौजूद है साथ में, उसके बाद मुज्जू भाई है, पूरी युवक की टीम साथ में मौजूद है हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुल कर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें आर एंड एस फार्मा, अपोजिट किनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।